আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على رحمه للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه من العابدين قال الله عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت معزز سامعين आप सभी को मेरा इस्लाम तहिया, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिज़्निल्लाह आज हम जादू, हसद और नज़र बद से बचने के वसाइल के ताल्लुक से जानेंगे। माज़रत सामईन, अल्लाह सुबहान तआला कुरान में फरमाते हैं कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हमारी ज़िंदगियों में मौत से बढ़कर ट्रेजेडी, भयानक चीज़ कोई और नहीं हो सकती, और उसी के ताल्लुक से अंबिया ने अपने औलाद को जो वसीयत की, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए इल्ला एके तुम इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में रहो। यानी हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारी चीज़ ईमान है। तो जान हम गवा सकते हैं लेकिन ईमान को हम गवा नहीं सकते। तो माज़ सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजबन लिल मुमिन, मोमिन की शान बड़ी ही निराली है। इन अमरहु कुल्लहु खैर, उससे जुड़ी हुई हर चीज भलाई से भरपूर है, भलाई से भरपूर है। अल्लाह सुबहाना हो तआला जो भी उसके हक में फैसला करते हैं उसके लिए भला ही होता है, खैर ही होता है। क्यों खैर होता है? क्योंकि अल्लाह सुबहाना हो तआला आदल हैं, अल्लाह इंसाफ करते हैं, किसी के साथ जुल्म नहीं करते। उमा रब का बिदल्लामिल लिल आबिद वलाकिन कानु अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह सुबहाना तआला किसी पर जुल्म नहीं करते, बंदे अपने आप पर जुल्म करते हैं। दूसरा हमारा यकीन है, माज़िन फ़िया हुक्मुक अदलुन फ़िया क़दाउक, कि जो कुछ ज़िंदगी में होना है इसका फ़ैसला अल्लाह सुबहाना हो तआला ने कर दिया है, और जो फ़ैसला अल्लाह सुबहाना हो तआला ने कर दिया है, अदलुन फ़िया क़दाउक, वो फ़ैसला बिल्कुल इंसाफ पर मबनी, हम राज़ी बरज़ा हैं अल्लाह सुबहाना हो तआला से उस फ़ैसले के ताल्लुक से। इसलिए ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आती है तब भी हम अल्लाह से राज़ी हैं, कोई भलाई हमें छूती है तब भी हम अल्लाह से राजी हैं। क्यों? मोमिन की हर चीज़ उसके लिए भलाई का सबब बनती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन असाबत हु सर्रा शकर फकान खैरन लह, अगर कोई भलाई उसको पहुंचती है तो अल्लाह सुबहाना तआला का शुक्र अदा करता है तो वो भी उसके लिए अच्छा ही। वैन असाबत हो दर्रा, अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई नुकसान होता है, कोई मसला पेश आता है, कोई मुश्किल पेश आती है, सब्र, तो वो क्या करता है? सब्र करता है तो वो भी उसके लिए खैर। तो ये सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान के लिए, किसी और के लिए नहीं। ये हमारी खासियत है, इसलिए अल्लाह सुबहाना तआला का शुक्र हमें बजा लाना चाहिए कि अल्लाह सुबहाना तआला ने हमें अहले ईमान में से बनाया। ईमान को सबसे बड़ी दौलत समझने की ये तौफीक अल्लाह सुबहाना तआला ने हमें दी, इसके लिए अल्लाह सुबहाना तआला का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। और साथ ही एक चीज़ की तरफ ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, वो ये, हम मस्जिद को आ रहे हैं तो वज़ू करके आते हैं, ड्यूटी को जा रहे हैं तो उसी हिसाब से तैयारी करके निकलते हैं। अगर अंदेशा है कि बारिश होने वाली है तो छतरी लेकर हम निकलते हैं, है कि नहीं? और अगर सर्दी का मौसम आ रहा है तो हम
गर्म लिबास का इंतज़ाम कर लेते हैं। ऐसा हर चीज़ में देखें आप, हम पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन एक मामले में हमसे भूल होती रहती है, चूक होती रहती है, हम भूलते रहते हैं, और वो है मौत। हम मौत की तैयारी नहीं करते, हम कब्र की तैयारी नहीं करते, हम उन आमाल की तैयारी हम नहीं करते जो मौत के बाद हमारे काम आने वाले हैं। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, नसीहत करने के लिए ना मेरी ज़रूरत है, ना रियाज साहब की ज़रूरत है, सुलेमान की ज़रूरत है, किसी और साथी की ज़रूरत। कफ़ा बिल मौत वाइज़ा, मौत अकेली काफ़ी है हमें नसीहत करने के लिए। हम रोज़ देखते हैं किसी ना किसी शख्स के इंतकाल की खबर आती है, कोई ना कोई हमारा हबीब या दूर का आदमी इंतकाल होता ही। जब वो जा रहा है, इसका माना क्या है, हम भी एक वक्त ऐसा आएगा कि हमको भी जाना ही है, तो उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। तो मुआज़्ज़ज़ सामईन, बहरहाल बात जो शुरू हुई है वो ये कि जादू, हसद और नजर बस से हम कैसे बचें। ठीक है जी, आज का जो माहौल हमारा है, अल्हम्दुलिल्लाह अरब का जो माहौल है, यहाँ इतना डर आपको नहीं रहता कि कोई जादू कर देगा, कुछ हो जाएगा, ये इतना डर यहाँ नहीं रहता, क्योंकि एक पुरअमन माहौल है यहाँ, ऐसे शरीफ किस्म के लोग कम पाए जाते हैं, इसलिए डर नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान के हमारे अपने समाज के ताल्लुक से अगर सोचेंगे आप, सुबह उठकर शाम तक आपको कई बार सुनने को मिलेगा कि फ़लाँ शख्स पे जादू हुआ है, फ़लाँ शख्स पे के नजर बद की वजह से बीमार हुआ है, या फ़लाँ की मौत हो गई है, वो अपाहिज हो गया है, या बिस्तर पर पड़ा है कि नहीं। और ये ज़मीन जायदाद को लेकर या मोहब्बत को लेकर कई तरीके से ये जादू लोगों पे किया जाता है, और करने वाले अक्सर व बेशतर जो है मर्द भी हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर औरतें होती हैं। इसलिए अल्लाह सुबहाना तआला कुरान में फरमाया, वमिन शर्रिन नफ्फाथाति फिल उक़द, घाटियों में फूंक मारने वालियां। और जादू का ये जो फेल होता है आम तौर पर रात के वक्त में होता है। बहरहाल जादू है नहीं है, इन चीज़ों को हम बाजू रखकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बुराइयों से, चाहे नजर बद हो, हसद हो या जादू हो, इससे हम कैसे बचना है। ओके जी, सबसे पहली जो चीज़ है जादू से हमें बचा सकती है, वो चीज़ है तौहीद। वो क्या है? तौहीद, खालिस तौहीद। अगर हमारे पास खालिस तौहीद नहीं है तो थोड़ी सी चीज़ भी हमें क्या है, शिर्क का जो अड्डा होता है वहाँ ले जा सकती है, बिदात का जो अड्डा हो सकता है वहाँ ले जा सकती है, हमारा ईमान बर्बाद हो सकता है, हमारा इस्लाम बर्बाद हो सकता है, हमारे आमाल बर्बाद हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इसका डर है आदमी को और सही इल्म नहीं है। सही इल्म क्या है? अल्लाह सुबहान तआला कुरान में फरमाते हैं, अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र इज़ा दआहु वयक्शिफुस सू, आदमी कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला, उसको आई हुई मुसीबत किसी भी किस्म की हो, बीमारी हो, जिस्मानी बीमारी हो, नफ्सियाती बीमारी हो, जादू का असर हो, या हसद हो, या नजर बद हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, इसका दूर करने वाला कौन है? कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना हो ताला की ज़ात। अल्लाह सुबहाना हो ताला, याद रखें, हम नमाज के बाद भी पढ़ते हैं दुआ, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मना, ऐ अल्लाह जिसको तू देता है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, और जिसको तू रोकता है उसको देने वाला कोई नहीं है कि नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से खिताब करते हुए फरमाया कि बेटे, सारी दुनिया मिलकर अगर तुम्हें कोई भलाई करना चाहे तो उतनी ही भलाई तुम्हें मिलेगी जितना तुम्हारे नसीब में है। सारी दुनिया मिलकर अगर कुछ तुम्हें बुराई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उतना ही नुकसान होगा जितना तुम्हारे तकदीर में है। ये बात, ये यकीन अगर हमें है कि सब कुछ अल्लाह सुबहानहु ताला की तरफ से होता है और कोई भी मुसीबत को दूर करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह सुबहानहु ताला की है, तो हम हमारी तौहीद की हिफाजत करेंगे, फिर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। आप याद रखिए कि अल्लाह सुबहानहु ताला का वादा है, जो मुवाहिद हैं, जो तौहीद परस्त हैं, अल्लाह सुबहाना हो ताला उनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह सुबहाना हो ताला की है। सबसे पहली चीज़ है, चुनांचे हमें अरकानुल इस्लाम का भी
इल्म होना चाहिए, अरकानुल ईमान का भी इल्म होना चाहिए, और तकदीर पर ईमान का तो सबसे ज़्यादा इल्म हमें होना चाहिए। पहला नुस्खा आप समझें कि हमारे ईमान को हम हमेशा ताज़ा करते रहें, तौहीद को मजबूत करते रहें, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इन चीज़ों से अल्लाह सुबहान व तआला हमारी हिफाजत फरमाएंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि इस किस्म के अफकार से, अवहाम से हमें दूर रहना चाहिए। असल में चीज़ होती कुछ भी नहीं है, लेकिन नफ्स एक ऐसी चीज़ है, कभी रस्सी को देखकर हम समझते हैं कि सांप है, जबकि वहाँ रस्सी है कि नहीं। तो नफ्स ऐसी चीज़ है कि एक माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ देखे वही बातें हो रहे हैं, कोई उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो फिर जादू का, हसद का, नज़र बद का, इसका उसकी बातें हो रही हैं। सुबह उठे तो घर के सामने कोई लाल पानी ला कर डाल दिया है कि नहीं। शाम हुआ तो जहाँ चौरास्ता होता है, चौरास्ते पर कोई नारियल ला के, नीम ला के काट दिया है ना। मुसलमानों की महल्ले की बात कर रहा मैं, तो ये माहौल में अगर हम रह रहे हैं तो माहौल में रहते रहते हुए किस्म का डर हमारे अंदर आ जाता है, और ख़ासकर कुछ ज़मीन व जायदाद है या कोई ओहदा मनसब है जिससे सामने वाले को जलन है, हसद है, तो कीना कपट है, तो क्या है ये चीज़ें और भी होती हैं। अगर नहीं भी हैं, आजू बाजू के लोग ला लेते हैं, बोलते हैं अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ हो रहा है, या बार बार कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं, भाई ज़रा चक्कर ला रहे, भाई हो सकता है तुम पर जादू किया गया। उसके दिल में कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये अवहाम किसकी तरफ से होते हैं? आजू बाजू वालों की तरफ से भी होते हैं, क्योंकि आजू बाजू वालों की शक्ल में शैतान आता है कि नहीं। इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान के फूंक मारने से अल्लाह मैं तेरी हिफाजत में आता हूँ, है कि मिन नफ़थिही व नफ़खिही, है कि नहीं। फूंक कहाँ से मारता है? वो डायरेक्ट आकर हमारा फूंक मारता नहीं, वो दीगर आदमियों की शक्ल में आकर जो है इस किस्म के अवहाम को, अफकार को फैलाता है। इन अफकार का शिकार होकर बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ भी नहीं है उनको, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना सेहत की का मसला है और ना ही नफ्सियाती मसला है, लेकिन वो बीमार है। क्यों बीमार हैं? ये डर, ये फिक्र। इसलिए इस फिक्र को दूर करना चाहिए। सबसे पहले सोचना यह चाहिए, क्या मेरा कोई सेहत का मसला है, है कि नहीं? कोई मेरा नफ्सियाती मसला है, या ऐसे माहौल में मैं रह रहा हूँ जहाँ लोग मुझे हमेशा डराते हैं? चलो इन लोगों को छोड़ो, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, ठीक है। ये नुस्खा हम अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह इसका असर हम पर नहीं होगा। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है अल्लाह सुबहानहु तआला की पनाह तलाश करना, अल्लाह सुबहानहु तआला की हिफाजत में हम आना, है कि नहीं? अल्लाह सुबहानहु तआला कुरान में फरमाते हैं, वइम्मा यनज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़्गुन फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। कोई भी मसला आपको आ रहा है, कोई भी वसवसा आपके दिल में आ रहा है, कोई भी डर आपके दिल में है, आपको लग रहा है किसी ने जादू कर दिया, आपको लग रहा है कोई मुझसे हसद कर रहा है, आपको लग रहा है किसी की नज़र बस से जो है मेरी तबीयत बिगड़ी है ना, ये वसवसा है, तो फिर अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमाते हैं, वइम्मा यनज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़्गुन फस्तईज़ बिल्लाह। तो उससे बचाने वाली ज़ात कौन है? शैतान का पैदा करने वाले अल्लाह सुबहानहु तआला हैं, तो उसके शर से बचाने वाले भी कौन है? अल्लाह सुबहानहु तआला हैं। तो अल्लाह सुबहानहु तआला की पनाह में हम आ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारी हिफाजत हो सकती है। इस ज़मीन में आपको मालूम होना चाहिए कि कुल औऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औऊज़ु बिरब्बिना तकरीबन आप लोगों को हिफ्ज़ होगी। तो ये जो सूरत है, ये दोनों सूरतें, ये बहुत बड़ा हथियार है जादू और टोना और हसद और बगज़ कीना कपड़ हर एक के मुकाबले में बहुत बड़ा हथियार है। अगर इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, खासकर हर नमाज के बाद इसको पढ़िए, और मगरिब और फजर के बाद तीन दिन बार इसको पढ़िए कुल को मिलाकर, और इसी तरीके से सोने से पहले आप इसको पढ़कर सोइए, सूरतुल बकरा के शुरू के आयत पढ़कर सोइए, सूरतुल बकरा के आखिरी आयत आप पढ़कर छोड़िए। देखिए ये अमल अगर आप करेंगे, यानी अल्लाह की हिफाजत में अपने आप को आप दे देंगे, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जादू टोना हसद इससे आप महफूज रह सकते हैं। उसके बाद माज़ा सामईन चौथी जो चीज़ है वो है अल्लाह सुबहानहु तआला का तक्वा, अल्लाह सुबहानहु तआला का तक्वा, है कि नहीं? अल्लाह सुबहानहु तआला कुरान में फरमाते हैं, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। बुराई चाहने वाले बुराई चाहते होंगे ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराई नहीं चाहिए लोगों ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं किया, मालूम है ना, लेकिन बुरा किसका हुआ? करने वाले का हुआ, है कि नहीं? जीते कौन? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते। तो हज़ार सामने वाला सोचे, बुरा हमारा सोचे, अगर हम अल्लाह सुबहान तआला का तक़वा इख्तियार करते हैं, परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि आखिरी जो अच्छा अंजाम होगा किसका होगा? अल्लाह से डरने वालों का होगा, है कि नहीं?
और अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमाते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरज वयरजुक मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह सुबहान तआला का तक्वा इख्तियार करते हैं तो अल्लाह सुबहान तआला उस मुश्किल से, उस मुसीबत से, या उस जादू से, उस नजर बद से, जो भी चीज़ें, उन सारे चीज़ों से बाहर निकलने का रास्ता अल्लाह बताएंगे और ऐसे जो है इसका इंतज़ाम करेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। और एक जगह अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं जो अल्लाह सुबहान तआला का तक्वा इख्तियार करते हैं उसका मसला टेढ़ा है, उसका मसला मुश्किल है, उसका मसला जो है कर्ज है, उसका मसला जादू है, उसका मसला नजर बद है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, मसला टेढ़ा है उसका, तो अल्लाह सुबहान तआला उसकी बिगड़ी बना देते हैं, मीन अमरी युसरा, आसान कर देते हैं उसके मसले को, है कि नहीं, घाटी खुल गई। तो अल्लाह सुबहान तआला का तक्वा हमें इख्तियार करना चाहिए। उसके बाद मुअज्जज़ सामईन, तक्वे के बाद जो चीज़ है वो कि उस जो मुसीबत है उस पर सब्र करना, उस पर सब्र करना। क्या करते हैं, कहीं को भाई मुझे तकलीफ़ आती, कहीं को अल्लाह सुबहान तआला हमने को आजमा आते, कौन दुनिया में कौन मिलते नहीं, क्या इतने बुरे लोग आए ना, हाँ मुझे तो अल्लाह का आजमाना क्या, हमें नमाज़ा पढ़ते हैं, हज रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, तो अल्लाह सुबहान तआला खुद कुरान में फरमाते वाला नबलुवन्नकुम, अल्लाह ने ऐसा कहा कि हम काफिरों का आजमाएंगे, मुशरिकों का आजमाएंगे, बिदअतियों का आजमाएंगे, अहले ईमान को छोड़ देंगे, अल्लाह ने ऐसा कहा, अल्लाह ने कहा हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें, आजमाइश तो आनी ही है, ज़िंदगी का हिस्सा है, माल के ज़रिए अल्लाह आजमाएंगे और जायदाद के ज़रिए अल्लाह आजमाएंगे, जान के ज़रिए अल्लाह आजमाएंगे, फसल के ज़रिए अल्लाह आजमाएंगे, हर तरीके की आजमाइश आ सकती है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में क्या फरमाते हैं, इदा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। तो मुअज्जज़ सामईन, सब्र जो है ये बहुत बड़ा हथियार है ये मुसीबत और मुश्किल के मुकाबले में। चुनांचे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मुख्तसर तरीके से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जिक्र करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। उसमें ये कि मुअज्जज़ सामईन, एक शायर ने कहा कि मैं कमीने शख्स से गुज़रा, कमीना सिफत इंसान से मेरा गुज़र हुआ जो मुझको बहुत बुरी गालियाँ दे रहा था, बहुत बुरी गालियाँ दे रहा था, मैंने कहा कि मुझे नहीं दे रहा है कि नहीं, वो मुझे नहीं दे रहा, खलास हो गए, अब उससे झगड़ेंगे, उससे मुंह लगेंगे तो ऑलरेडी उसके पास इतनी गंदी गंदी गालियां हैं और 10-15 गंदी गालियां और देगा, वो क्या होगा, क्या होने वाला है, कीचड़ पे पत्थर पे गए तो कीचड़ हमारे ही ऊपर पड़ेगा ना, तो बेहतर है आप गुजर जाएं वहां से, है अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान में फरमाया वारिद अनिल जाहिलीन, जाहिलों से तुम दूर रहो, है कि नहीं। और इसी तरीके से याद रखें मुअज्जज़ सामईन, सब्र करने से याद रखें, गौर भी करें इसके ताल्लुक से, वो ये कि हसद हासिद जो होता है, जो ये सब कौन करते हैं, हासिद ही करता है, नजर बद तो हासिद नहीं है, सब लोग से हो सकता है, लेकिन आम तौर पर हसद भी एक हासिद से होता है, जादू और टोना का भी ये काम जो है हासिद ही करता है कि नहीं। तो अगर आप आग की फितरत को जानेंगे, आग की फितरत क्या है, जलाने की है, वो घास को भी जला देगी, अब कुछ दूसरी चीज़ डालेंगे जला देगी, लकड़ी डालेंगे, अगर जलाने के लिए कुछ भी नहीं है तो खुद को जलाए, खुद को खाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, है कि नहीं। तो हसद करने वाले की तबीयत भी ऐसी है, अगर आप उसको छोड़ देंगे उसकी हालत पर, हसद करते करते जब उसको हसद करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह सुब्हान अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बि अहली, वो चालबाजी कर रहा है कि नहीं, वो हमारा बुरा करना चाहता है, अल्लाह फरमाते हैं जो ऐसा चाहता है ना आखिर में वही बर्बाद होता है, वही बर्बाद होता है। फिक्र हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, सब्र करना, हमें क्या करना है जी, सब्र करना है। उसके बाद मुअज्जज़ सामईन, चौथी पांचवी जो चीज़ है वो ये कि अल्लाह सुबहानहु तआला की तरफ हमें पलटना है, अल्लाह सुबहानहु तआला की तरफ हमें पलटना है कि नहीं, अल्लाह सुबहानहु तआला की तरफ हमें पलटना है। इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी, एक इंसान का इस्लाम बहुत अच्छी हालत में है, इसकी दलील क्या है, वो बेकार सी बातों को छोड़ देना, है कि नहीं। ऐसे गपशप में आप बैठेंगे, ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती करेंगे, उनके साथ उठ बैठ होगा तो वसाविस आएंगे, और चीज़ नहीं भी है तो आप बीमार हो जाएंगे, वो चीज़ नहीं भी है तो आप किसी गलत आदमी के पास जाकर इलाज कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका ईमान का भी सौदा होगा, आपके अमाल भी बर्बाद होंगे। इसलिए कि मुअज्जज़ सामईन, ये जो अमल करने वाले ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो शिर्क का काम करते हैं, वो कहते हैं हम जिन्नात से जो है मदद लेते हैं, जिन्नात से मदद लेना गलत है, मदद हमें किससे लेनी है, कुरान से लेनी है, मदद हमें किससे लेनी है, हदीस से लेनी है, मदद हमें किससे लेनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से लेनी है, मदद हमें किससे लेनी है, दुआओं से लेनी है, ये हथियार है, सलाहुल मोमिन क्या है, दुआ है,
ये गलत रास्ते नहीं, गलत रस्म व रिवाज नहीं। चुनांचे हमें किसकी तरफ पलटना है? अल्लाह सुबहाना तआला की तरफ पलटना है, तो इससे हम महफूज हो सकते हैं। उसके बाद मुआज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह सुबहाना तआला पर भरोसा करना है, अल्लाह सुबहाना तआला पर भरोसा करना है कि नहीं? तो भरोसा क्या है? अल्लाह सुबहाना तआला कुरान में फरमाते हैं, अलैसा अल्लाहु बिकाफिन अब्दा, कि अल्लाह अकेले काफ़ी नहीं है अपने बंदे के लिए, काफ़ी है ना। और दूसरी जगह अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, कि जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो उसके सारे बिगड़ी को बनाने के लिए कौन काफ़ी है? अल्लाह सुबहाना तआला काफ़ी है। चुनांचे अल्लाह पर ये इस किस्म का अगर हम भरोसा करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे हम महफूज हो सकते हैं। उसके बाद मुआज़्ज़ज़ सामईन, तौबा करना चाहिए सारे गुनाहों से, क्योंकि अल्लाह सुबहाना तआला कुरान में फरमाते हैं, वमा असाबतकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अईदीकुम वयअफू अन कसीर, जो भी मुसीबत तुम पर आ पड़ी है समझ लो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से ही वह चीज़ तुम पर आ पड़ी। बस समझ में, तुम्हारे अपने करतूत हैं। और अल्लाह फरमाते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अल्लाह माफ़ कर रहे हैं, वयअफू अन कसीर, यानी जो गुनाह हमको मालूम है ये कम है, जो गुनाह हमको नहीं मालूम है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह सुबहाना तआला की तरफ पूरे नेक नियती के साथ, इखलास के साथ हमें पलटना चाहिए, और तौबा इस्तिग़फ़ार हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से ये गुनाहों का असर हमारी ज़िंदगी पे नहीं होगा, ये नहूसत जो है हमारी ज़िंदगी से दूर होगी, तो जादू का असर भी इंशाअल्लाह नहीं होगा। उसके बाद मुआज़्ज़ज़ सामईन, सदक़ा व खैरात करना चाहिए। मुख्तसर तरीके से बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, सदक़ा व खैरात करना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने सदक़े के साए में रहेगा, अपने फी ज़िल्ल सदक़ती यौमल क़ियामा, है कि अपने सदक़े के साए में रहेगा। तो अगर हम सदक़ा करते रहेंगे, ए अल्लाह का साया हमारी हिफाजत करेगा, हर चीज़ बलाओं से हिफाजत करेगा, नजर बस से हिफाजत करेगा, जादू से हिफाजत करेगा, टोना से हिफाजत करेगा, है ना, हसद से हिफाजत करेगा, ये सदक़ा। तो लोगों को हमें जो है जो मोहताज हैं, जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, उनका हमें हेल्प करते रहना चाहिए, उनका उनके हमें मदद करते रहनी चाहिए। उसके बाद मुआज़्ज़ज़ सामईन, इसमें दो और एक चीज़ है, वो ये आखिरी चीज़ भी इसको बोल सकते हैं आप, वो ये है कि ये सबसे सख्त चीज़ है, ये है कि सामने वाला हमारा दुश्मन है, हमें समझ में आ रहा है इसी ने जादू करा है, समझ में आ रहा है नहीं, मालूम भी हो गया मिसाल के तौर, और उसकी वजह से जो है मुझसे जल रहा है या कुछ प्लानिंग कर रहा है, जादू नहीं भी किया तो इधर उधर जा रहा है नहीं, समझ में आता है। जब आप एक माहौल में रहते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि यही है, तो आपको क्या करना है? तो आपके उसके खिलाफ आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है, वह जजाओ सैयतिन सैयतुन मिसलुहा, ठीक है, ठीक है, बुराई का बदला बुराई, ओ ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मुनासिब नहीं है। मुनासिब क्या है? उसको माफ़ करना, उससे एहसान का मामला करना, ठीक है, उससे एहसान का मामला। क्यों भाई? इसलिए ला तस्तवी हसनतु वला सय्या, भलाई और बुराई दो एक नहीं हो सकते। अल्लाह क्या फरमाते हैं? इदफा बिल्लती ही अहसन, जब भलाई और बुराई दो एक नहीं हो सकते तो आपको बुराई को किससे दूर करना चाहिए? बुराई से नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि कांटे को कांटे से निकालना चाहिए, इसको इसको उससे ही काटना चाहिए, नहीं, ठीक है, वो कहीं कहीं इलाज के तौर पर हो सकता है, लेकिन मामले के तौर पर अच्छा मामला जो है, हमारा अच्छा अखलाक जो है, वो सामने वाले के दिल को जो है जीत सकता है। चुनांचे अल्लाह फरमाते हैं, इदफा बिल्लती ही अहसन, गंदगी को दूर करना है तो साफ पानी लाओ, आप भी गंदा पानी डालोगे तो और गंदगी फैलेगी, गंदगी तो साफ नहीं होगी ना। तो अगर वो बुरा इंसान है तो हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, अगर उसका मामला बुरा है तो हमारा मामला अच्छा होना चाहिए, वो मुझ पर जुल्म कर रहा है तो हमें उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो अल्लाह क्या फरमाते हैं अगर ऐसा करेंगे? क्यों? सामने वाला आपका भाई हो सकता है क्या? सामने वाला वाली आपकी बीवी हो सकती है, माँ हो सकती है क्या? रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ज़मीन जायदाद के मामले आपको मालूम है, सब इन्वॉल्व हैं, हमारे ही अपने हैं। चुनांचे याद रखना चाहिए माज़ा सामईन कि इनके साथ एहसान का मामला हम करेंगे, फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, भाई है लेकिन दुश्मनी है, बीवी है लेकिन दुश्मनी है, बेटा है लेकिन दुश्मनी है, माँ है लेकिन दुश्मनी है, मिसाल के तौर पर हो सकती है। तो अल्लाह फरमाते फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, कि तुम्हारे दरमियान तो क्या थी? दुश्मनी थी। तो अल्लाह क्या करेंगे? ये तुम्हारे मामले से, एहसान के मामले से, कअन्नहु वलीयुन हमीम, वो ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा?
जिगरी दोस्त बन जाएगा, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वमा युलक्काहा इल्ला الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم। ये जो मामला है ना, हर एक से होने वाला नहीं है। जितना हम आसानी से बोल रहे हैं, ये मामला इतना आसानी से हम लोगों के साथ नहीं कर सकते। तो अल्लाह फरमाते हैं सब्र वाले ही ये कर सकते हैं। और जो जो खुशनसीबी को पाना चाहते हैं, सआदत मंदी को पाना चाहते हैं, वही ये मामला कर सकते हैं। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, मुख्तसर अंदाज में मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपको कहूँगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जिसे हमारी बात को ख़त्म करूँगा, वो ये है कि अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपके जान लेने की कोशिश की, उस वक्त आपने दुआ की थी अल्लाह मग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरे कौम को बख्श दे, मेरे कौम को बख्श दे कि वो मुझे पहचानते ही नहीं। तीन उसूल हैं इसमें, क्या है तीन उसूल? सबसे पहले दिल से उनको माफ़ कर दिए, पहला उसूल क्या है? दिल से माफ़ कर दिए। दूसरा उसूल क्या है? उनके लिए दुआ कर रहे हैं। किनके लिए भाई? दोस्त के लिए, अहबाब के लिए नहीं, दुश्मन के लिए दुआ कर रहे हैं, जो कत्ल करना चाहे, जिनकी वजह से आपके दंतान मुबारक शहीद हो गए, उनके लिए आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ कर दे उनको। जैसे आप जाकर सिफारिश कर अल्लाह से दुआ कीजिए, तो दुआ किए तो आगे सिफारिश नहीं के लिए, उसके बावजूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामला देखिए, आप फरमाते हैं अल्लाह उनको माफ़ कर दे, अल्लाह मग़फिर लिखोगे, उसके बाद उनसे ताल्लुक़ नहीं काटे। ये नहीं बोले कि पराया है, ये मेरा नहीं है, इससे मेरा कोता है, वो मेरी कौम का है, मेरी कौम का है। अल्लाह मग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। और उज़्र भी कौन पेश कर रहा है? वो नहीं पेश कर रहा जो गुनाह किया, वो नहीं पेश कर रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं, ये माज़ूर है, ये मुझे समझ नहीं है, समझ इतनी समझ इनके पास नहीं है। इनके पास पूरी की चीज़ जो है दुनिया ही है, आखिरत इनके नज़रों के सामने नहीं है। अगर ऐसा आखिरत इनकी नज़रों के सामने होती, मौत की तैयारी करने वाले ये होते, तो शायद मेरे साथ ये मामला नहीं करते, उज़्र भी हमें पेश करना चाहिए। तो माज़ सामईन, ये कुछ नुकात है जिसको इस्तेमाल करके पूरे साफ तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पर कायम रहते हुए हम जादू, हसद और कीना, कपट, दीगर चीज़ों से महफूज हो सकते हैं। वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, सबसे ज़्यादा हमारी हिफाजत करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह सुबहाना तआला की ज़ात है। तो अल्लाह सुबहाना तआला की ज़ात से दुआ है कि ऐसे मसाइल का जो भी शिकार है, नफ्सियाती मसाइल हों या वाकई मसाइल हों, अल्लाह उन मसाइल को हल करे, उन मुश्किलात को दूर करे, अल्लाह सुबहाना तआला उनका बेहतरीन इलाज जो है अल्लाह सुबहाना तआला उन्हें दे, और हम सब को अल्लाह सुबहाना तआला की तरफ पलटने वाला अल्लाह सुबहाना तआला बनाए। आमीन। और जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, जो भी बातें कही गई हैं उसमें अगर हक़ है तो अल्लाह सुबहाना तआला की तरफ से है, और अगर कुछ गलत